फर्जी एनकाउंटर मामले में सुर्खियों में आए डीजी बंजारा जल्द ही नई पारी की शुरुआत करने वाले हैं। जी हां, आतंकवादियों से दो दो हाथ करने वाले डीजी बंजारा ने राजनीति में आने के संकेत दे दिए हैं। हालांकि वे किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे इस पर उन्होंने सस्पेंस रखा है। उन्होंने खुद को देशभक्त बताते हुए उक्त एनकाउंटर को देश के लिए अपना कर्तव्य बताया। दरअसल उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे डीजी बंजारा ने कहा कि पिछले 70 सालों से देश में राष्ट्र विरोधी राजनीति चली आ रही थी, जिसकी वजह से देश हित में काम करना मुश्किल हो गया था। मोदी सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 3 सालों में बेहतरीन काम किया है। गत 70 साल से इस देश में एक ऐसी राष्ट्र विरोधी राजनीति चली और ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसी सिस्टम खड़ी हुई कि ऐसी परिस्थिति में चाहे हम सर्विस में हो या तो सर्विस में नहीं हो, देश के हित का काम करना बहुत कठिन हो गया है। और खास करके जब आतंकवाद के खिलाफ मुहिम चलानी है तो आतंकवाद को राजकीय इश्यू नहीं बनाना चाहिए। आतंकवाद एक नेशनल इश्यू है और सब पक्षों को, सब पार्टियों को, पार्टी के हितों को, हितों के ऊपर जाके देश के हित में काम करना चाहिए। मैंने कामगिरी की है, अभी भी मेरा हौसला बुलंद है और मैं सब अधिकारियों को जो अभी सेवा में है उनको कहूँगा कि परिस्थिति कैसी भी आए अपना हौसला बुलंद रखे कि मोदी सरकार ने 3 साल में बहुत कुछ काम किए। गत 70 साल से जो दिशा देश को मिली हुई थी वो दिशा कहीं ना कहीं देश को निर्बल बना रही थी, ऐसा मैं मानता हूँ। मुझे जो उपलब्धि दिखती है वो ये दिखती है कि पॉलिटिकल क्षेत्र में भी मोदी सरकार कहीं ना कहीं यू टर्न लेके आई है, इकोनॉमिक क्षेत्र में भी यू टर्न लेके आई है, सोशल क्षेत्र है तो उसमें भी यू टर्न लेके आई है। गुजरात ATS के मुखिया और पाकिस्तान सीमा से सटी बॉर्डर रेंज के IG रहे वंजारा ने उज्जैन के आसपास आतंकवादियों के गढ़ होने की बात भी कही। कुल मिलाकर DG वंजारा द्वारा मोदी सरकार की तारीफों को देखकर लगता है कि मौका मिलते ही वे चौका मारने की फिराक में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, उज्जैन।